शुरू करते हैं गाइस। हमारे इस रिवर्स घोस्ट वीडियो इफेक्ट को जनरेट करने के लिए हमें हमारी फुटेज के दो फ्रेम को सबसे पहले जेपेग सीक्वेंस में रेंडर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो फ्रेम सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। एक मेरा 23 नंबर का फ्रेम है, बराबर है, जो ये एक फ्रेम मेरा रहेगा, और दूसरा जो मेरा फ्रेम रहेगा वो 33 नंबर का फ्रेम है। तो मैं दोनों फ्रेम जैसे आपको दिखा दे रहा हूँ कि दोनों फ्रेम को क्या करना है, आपको रेंडर निकालना है। तो जैसे मैं यहाँ पे 33 नंबर के फ्रेम के ऊपर बी और एन अप्लाई किया, और आपको क्या करना है, कंट्रोल एम प्रेस करना है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको जेपेग सीक्वेंस सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके करना है, यहाँ पे आपका नाम देके जहां भी आपको इसको रेंडर निकालना है उस जगह पे फाइल पाथ आपको चूज कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी दोनों फ्रेम के रेंडर यहाँ पे निकाल के रखे हैं, और उस रेंडर को आपको कहाँ ले जाना है, फोटोशॉप के अंदर लेके जाना है। तो मेरा ये 23 नंबर का रेंडर है और ये मेरा 33 फ्रेम नंबर का रेंडर है। तो जहां पे मैंने क्या किया, सिलेक्शन करके मेरे कैरेक्टर को आउट किया है, और ये सिलेक्शन 100% आउटपुट नहीं होगा तो भी चलेगा, कि मतलब परफेक्ट सिलेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। जहां दोनों में आपको दिखा देता हूं फोटोशॉप के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान से देखिए, हमें दोनों जगह पे मतलब एक रफली सिलेक्शन की जरूरत है जो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब इसको मिनिमाइज करते हैं। जैसे ही आपका निकल जाता है तो उसका पीएसडी फाइल आपको सेव करना है, और जैसे मैंने यहाँ पे दोनों पीएसडी फाइल क्या रखा है, पोज वन और पोज टू को यहाँ पे इम्पोर्ट करके रखा हुआ है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो अब क्या करना है भाई, हमें हमारा रिवर्स घोस्ट इफेक्ट जो वीडियो इफेक्ट है हमारे कैरेक्टर के लिए, वो हमें जनरेट करना है। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मैं चलाऊंगा ऑलमोस्ट 23 नंबर की फ्रेम के ऊपर। तो हमारा जो 23 नंबर का फ्रेम है, तो आपको सीधा यहाँ पे टाइप करना है 23। तो यहां से क्या होगा, हमारा घोस्ट बाहर निकलेगा हमारे कैरेक्टर से। तो जो है मेरा पोज वन, बराबर, तो उसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा मेरे पैनल के अंदर, और मैं इस लेयर को यहां से क्या कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा, और पांच फ्रेम आगे चलता हूं, और यहां से क्या कर देता हूं, इसको भी राइट की तरफ से ट्रिम कर देता हूं। अब क्वेश्चन आपको ये होगा कि मैंने क्यों दो पोजेस ले। तो अभी तक आपको ज्यादातर लोगों ने, जिसने भी ये घोस्ट इफेक्ट सिखाया होगा या कहीं गलती से आपने रिवर्स घोस्ट इफेक्ट दिखा होगा, तो उसमें एक मिस्टेक की जाती है, क्योंकि एक सीन अगर ध्यान से देखो तो हमारा दो फ्रेम अलग अलग है, मतलब ये जो हमारा घोस्ट इफेक्ट है वो 10 फ्रेम्स के लिए स्क्रीन के अंदर दिखने वाला है। तो अगर मैं 23 नंबर की फ्रेम के ऊपर देख रहा हूं तो इसका पोज कुछ अलग है, और अगर मैं 33 नंबर की फ्रेम के ऊपर चला जाऊंगा तो यहाँ पे पोज क्या हो गया, उसका पूरा का पूरा अलग हो चुका है। तो जब रिवर्स फ्रेम इफेक्ट जनरेट हो रहा है ना, तब क्या होना चाहिए कि हाँ भाई, दोनों पोज मैच करने चाहिए, जो एक्चुअल सीन में वो कैरेक्टर हमारा दिख रहा हो, तभी वो रिवर्स घोस्ट इफेक्ट रियल आपको मैच करेगा। तो इसीलिए हमें दो पोजेस की यहाँ पे जरूरत थी। अब करना क्या है, जो हमारा पहला पोज है उसके सिलेक्ट करना है यहाँ पे लेयर के ऊपर, मैं इसको और विजिबल कर देता हूँ यहाँ पे। अब विजिबल करने के बाद आपको चलना है यहाँ इफेक्ट में, हम जाएंगे यहाँ पे डिस्टॉर्ट के अंदर, और डिस्टॉर्ट में जाके हम अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट उसके ऊपर। तो आपने ट्रांसफॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे पोजिशन को चूज करना है, तो स्टार्टिंग में यहीं पे रहेगा। अब हम चले जाएंगे पांच फ्रेम आगे, यहाँ पे आ चुके हैं, और इसका पोजीशन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे राइट की तरफ आउट कर दिया, दोनों कीज लग चुकी है। मैं यहाँ पे यू प्रेस करता हूँ तो ये दिख जाएंगी, कीज को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करने। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, बहुत लोग इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, बट आप में से कई लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारा गोल आपके साथ नॉलेज शेयर करने के साथ साथ इस चैनल की कम्युनिटी को ग्रो करना भी है। तो अगले दो महीने में हम हमारी कम्युनिटी को 500 सब्सक्राइबर से 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें जरूर आपका साथ लगेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक भी जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं आगे गाइस, ये हो चुका। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो शटर एंगल है आप इसको भी ऑन कर सकते हो। मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 100, और आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अभी आपको घोस्ट दिखेगा नहीं, मतलब ब्लरीनेस नहीं दिखता है, बट जैसे आपको ब्लरीनेस ये, तो आप क्या कर दो, इसको ऑफ कर दो। बट सामने अगर इसका वैल्यू मैं 0 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्लरीनेस चला जाएगा, जो मोशन कर रहे हो चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 100 पे अप्लाई कर देता हूँ। अब इसको अप्लाई करने का दूसरा भी तरीका, जरूरी नहीं है कि आप यही इफेक्ट के थ्रू काम करो, आप नॉर्मली लेयर का पोजीशन अप्लाई कर सकते हो, और यहां से भी मोशन ब्लर अप्लाई कर सकते हो, आपको सेम इफेक्ट मिलेगा। बट कहते हैं ना, अगर ये अलग रहेगा ना तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। मैं अभी इस इफेक्ट को सीधा कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, मेरा काम वो आसान करेगा रादर देन पोजिशन को कॉपी पेस्ट करना किसी लेयर की, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना, इसी इफेक्ट को मुझे डुप्लीकेट करना है इसी लेयर को। अब डुप्लीकेट करने के बाद मुझे क्या करना है, जो इसका सेकंड की है इस लेयर के अंदर, तो यहां सिलेक्ट करते हैं और यू प्रेस करते हैं,
और इस की को मैं क्या कर दूंगा, यहां से डिलीट कर देता हूं गाइस, ठीक है। और यहां पे पोजीशन मेरा कहां पे जाना चाहिए, लेफ्ट साइड की तरफ बाहर चला जाना चाहिए, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी। तो आप देख रहे हो कुछ इस हिसाब से ये इफेक्ट मेरा जनरेट हो रहा है यहाँ पे, और अच्छा खासा मोशन ब्लर भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब मैं आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन एक और दे देता हूं, आप शायद बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, जब भी आप ये चीजें काम कर रहे हो ना, मोशन ब्लर यूज कर रहे हो, मोशन ब्लर जैसे कोई इफेक्ट यूज कर रहे हो, तो उसको क्या करो, जब आप एनिमेट कर रहे हो तो अभी उस इफेक्ट को ऑफ रखो। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं यहाँ पे, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, ऑफ रखता हूँ, तो रीजन क्या होगा, जब आप काम कर रहे हो तो आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर लोड कम होगा और आफ्टर इफेक्ट क्रैश नहीं होगा। जब आप रेंडर निकालने वाले तो क्या कर दो, इस इफेक्ट को ऑन कर दो, बराबर, तो आपका काम आसान हो जाएगा, रेंडर के टाइम पे मोशन ब्लर निकल जाएगा साथ में। तो अभी के लिए आपको दिखाने के लिए मैं इसको ऑन रख रहा हूं, अदरवाइज जब हम काम करते तो प्रोफेशनल वे पे इसको ऑफ रखते हैं। अब वापस चले आएंगे हम इसी फ्रेम के ऊपर, और हम क्या करेंगे, हमारा पोज 2 जो है उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। अब पोज 2 को यहाँ पे लेके आएंगे, क्या करेंगे, इसको यहां से हम ट्रिम कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेम आगे जाएंगे, और क्या करेंगे, वापस इसको राइट की तरफ से ट्रिम कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां पे भी इसको क्या करना है, हमें की देना है, तो सेम जो ये वाला इफेक्ट है इसको मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, और सॉरी इफेक्ट को कॉपी करना है, लेयर को नहीं, तो हमने इफेक्ट को कॉपी कर लिया, और इसके ऊपर क्या कर देंगे, हम यहां पे इस लेयर के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बट यहां पे मैं सबसे पहले कर दूंगा इसको रिसेट। अब रीसेट करने के बाद क्या करना है, यहां पे एंड वाली फ्रेम के ऊपर मुझे पोजीशन एज इट इज रखना है, तो इसको सिलेक्ट कर लो एक बार, यू प्रेस कर दो, तो देखो इसकी की सबसे पहले तो गलत जगह पे लगी है, तो यहां पे तो पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूं दोनों की को, और इसका पोजीशन कहां रखना है, एज इट इज जहां पे अभी वो है, बराबर। अब वापस चले आएंगे 5 फ्रेम आगे, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे, अब इसका पोजीशन का की यहाँ पे क्या करना है, हमें बाहर की तरफ निकाल देना है, ये यहाँ पे हो चुका है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, यहाँ पे खाली क्या करना है, आपको वैल्यू कर देना है 100, ठीक है ना। तो जैसे ही अभी आगे जाएगा तो आप देख रहे हो मेरा मोशन ब्लर ऑन नहीं, तो आप इसको क्या कर दो, ऑफ कर दो, तो आपका मोशन ब्लर यूज कंपोजिशन शटर जो है उसको क्या कर दोगे, आप ऑफ कर दोगे, अनचेक कर दोगे। जैसे ही अनचेक कर दोगे शटर एंगल को, तो क्या हो जाएगा, मोशन ब्लर आपका जनरेट हो जाएगा। शटर एंगल का वैल्यू आप कम या ज्यादा कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैं 20 कर देता हूं तो आपका क्या हो जाएगा, मोशन ब्लर कम हो जाएगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे क्या दे सकते हो, वैल्यू अप्लाई कर सकते हो। अब इसी को हम क्या करेंगे, वापस से डुप्लीकेट यहाँ पे करते हैं, यू प्रेस करेंगे। अब जो इसका स्टार्टिंग का की है उसी को मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिलीट कर देना है, और यहाँ पे इसका पोजीशन क्या करेंगे हम लोग, सॉरी हाँ, यहां से भी कर सकते हो, ऊपर से भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू गाइस। मतलब इसको क्या कर देंगे, यहां से कंपोजिशन से बाहर हम निकाल देंगे कुछ इस हिसाब से। तो ये मेरा यहां से भी बाहर चला गया है, ठीक है। तो अब दोनों इफेक्ट क्या होते हैं, अंदर आते हुए दिखेगी, तो ये भी हमारा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब हमारा रिवर्स घोस्ट वीडियो इफेक्ट जनरेट हो चुका है, हमारे डांसिंग वीडियो के लिए आप यूज कर सकते हो, म्यूजिक वीडियो के लिए यूज कर सकते हो, अपने पर्सनल वीडियो के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। तो एक बार प्ले करके देखते हैं गाइस कैसा दिखता है। सो अभी जैसे गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा रिवर्स घोस्ट इफेक्ट जनरेट हो रहा है हमारे वीडियो के अंदर। सो आई होप आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा, तरीका बहुत सिंपल था बट बहुत ही क्रिएटिव है, और आप इसको वेरियस वे पे यूज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, गुड बाय।